नमस्कार, आज मैं मेरे घर में मूली के पराठे जैसे बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। इस पराठे को बनाने के लिए ये सब चाहिए: घिसा हुआ दो मूली, एक कटोरा बेसन, थोड़ी सी हल्दी, नमक, हींग, राय, हरी मिर्च, हरा धनिया और ऑलिव ऑयल। इस मूली पराठे को बनाने के लिए आपको स्टफिंग 3-4 घंटे पहले बना के रख देनी पड़ेगी फ्रिज में, क्योंकि हम उसी टाइम स्टफिंग बना के इसको भर के नहीं बना सकते हैं। नॉर्मली मैं इसको रात को बना के रख देती हूँ और सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में पराठा बना के या हस्बैंड को देती हूँ। इसके लिए स्टफिंग आपको पहले तैयार करके रखनी पड़ेगी। अब पैन में मैंने ऑलिव ऑयल को डाल दिया है। ऑलिव ऑयल को डालने के बाद फिर हम इसमें राई को डाल देंगे और थोड़ा सा हींग भी डालेंगे और उसको थोड़ी देर चटकने देंगे। अब उसमें ग्रेटेड मूली को डाल देंगे और नमक हल्दी के साथ थोड़ी देर उसको भुनेंगे। मूली पानी छोड़ दिया है, उसको सुखाने के लिए हम बेसन डाल देंगे और बेसन के साथ मूली को बेसन के कच्चापन के हटने तक उसको भूनेंगे और इसको भून के फिर हम धनिया पत्ता को डाल देंगे लास्ट में और बारीक हरी मिर्च कटी हुई भी डाल देंगे और उसको ओवरनाइट फ्रिज में रख लें या फिर 7 से 8 घंटा फ्रिज में रखें, फिर ये भरने के लिए तैयार हो जाएगा। सात आठ घंटे रखने के बाद वो अच्छी तरह से भरावन जम गया था। अब इसको भर के पराठा तैयार कर लेंगे। ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और भरने में भी बहुत आसान होता है। आप घर पर इसको जरूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।